धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, जिसमें से एक शंख भी था। माना जाता है शंख से घर में सुख समृद्धि आती है। यही कारण है कि कई लोगों के घरों में पूजा पाठ करते समय शंख का इस्तेमाल किया जाता है। शंख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 शंखों को महत्व दिया जाता है, दक्षिणावर्ती, वामावर्ती और मध्यावर्ती या गणेश शंख। ज्योतिषियों की माने तो दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखने से लक्ष्मी का वास होता है। जिन लोगों के घर में ये शंख होता है, उन लोगों के जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती। दक्षिणावर्ती शंख के शीर्ष में चंद्रमा देवता, बीच में वरुण देवता, पृष्ठ भाग में भगवान ब्रह्मा और आखिरी के भाग में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का वास होता है। ज्योतिषियों का कहना है कि जिस घर में ये शंख होता है, उनके घर वालों को इस शंख के रोजाना दर्शन करने चाहिए। घर में शंख रखने के कई महत्व होते हैं। ज्योतिषियों की माने तो घर में शंख बजाने से वातावरण पवित्र होता है। शंख की आवाज से मन में सकारात्मक विचार पैदा होते हैं। कहा जाता है कि रोजाना शंख बजाने से देवता खुश होते हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक शंख में रखे पानी को घर में छिड़कने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। साथ ही शंख में रखे पानी का सेवन करने से शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी शंख बजाने के कई महत्व हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शंख को बजाने से कई जीवाणुओं कीटाणुओं का नाश होता है। शंख के बारे में आयुर्वेद में भी कई तरह की बातें कही गई हैं। आयुर्वेद में भी शंख के इस्तेमाल को महत्वपूर्ण बताया गया है। प्राचीन काल में भी शंख बजाकर युद्ध आरंभ की घोषणा की जाती थी। शंख की आवाज से आध्यात्मिक शक्ति संपन्न होती है।